इंडिया गठबंधन में क्या मायावती के शामिल होने को लेकर जो खबरें चल रही है उसमें बड़ी सच्चाई क्या है दरअसल शिवपाल यादव दर इस पूरे मामले पर क्या वाकई काम कर रहे हैं इस समय जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव और पूरी की पूरी पार्टी जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कही न कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटी हुई है सीटों को लेकर के शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है लेकिन अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा ईडी और सी का भय दिखाकर विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का, का काम कर रही है सपा गठबंधन को मजबूत कर भाजपा को हराने का काम करेगी एक निजी इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें कही थी और ये भी कहा था कि जो है आने वाले दिनों में वो पूरी तरीके से ये कोशिश करेंगे कि किसी भी ढंग से मायावती को इस गठबंधन में लाया जा सके क्योंकि इससे वोटों का बिखराव रुक सकता है मायावती के गठबंधन में शामिल होने को लेकर के उन्होंने कहा कि अब उनकी बात ना की जाए तो ठीक है और लेकिन उनकी बातों में ये भी झलक रहा था कि वो उनको जो है वापस लाने के लिए ज़रूर जो है काम करते नजर आएंगे क्योंकि मायावती की स्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी है और पूरी तरीके से मायावती अपने जो वोट बैंक पर दलितों पर जो उनका एक कब्जा है जो वोट बैंक पर उनकी एक मजबूत परिस्थिति है वो अभी भी बनी हुई है और दरअसल इसी बात को लेकर के लगातार उन पर नज़रें टिकी रहती है अब देखना ये है कि आखिरकार शिवपाल यादव क्या इसको लेकर के को ले कोई संदेश उन्हें भेज सकते हैं क्योंकि सूत्र के हवाले से इस तरीके की भी खबरें आ रही है अब अखिलेश यादव ने सीटों को लेकर के फार्मूला तय तो कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है शिवपाल यादव इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं अब देखना है कि आने वाले भविष्य में इस पूरे मामले को लेकर क्या वाकई गठबंधन की सूरत हाल बनती है नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट